नमस्कार साथियों, मैं अशोक चौधरी। आज हम आए बीकानेर, यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे पीटीए अभ्यर्थी मौजूद है। इन्हीं पीटीए अभ्यर्थियों से हम चर्चा करेंगे कि आगे भर्ती में क्या क्या इनको चाहिए, कि कब से कब ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और भी अन्य मांगे लेकर हम यहाँ मौजूद हैं, जिनमें हमारे पीटीए अभ्यर्थी के बीकानेर के साथी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। पीटीआई भर्ती 2022 से जुड़ा मामला, हमारा 25 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 21 अक्टूबर को जारी हो गया था। उसके कागजात चेक करने में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने काफ़ी समय यानी 6-7 महीने बिता दिए, और अभी भी उनके फाइनल परिणाम के बाद कागजात हमारे यहाँ शिक्षा निदेशालय आ गए। जैसे यहाँ निदेशालय कागजात आए, हमने कानाराम जी से मुलाकात की, उन्होंने बोला आपको 20 से 25 दिन में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उस बात को आज 45 दिन हो चुके हैं, अभी हमें कोई ज्वाइनिंग और जिला आवंटन का कोई अच्छा संदेश नहीं मिला है। इसलिए हमारे सबकी एक ही मांग है, हमें 15 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग चाहिए, और 15 अगस्त से पहले हम स्कूल में हो। हमें आश्वासन नहीं, हमें आश्वासन नहीं, हमें आश्वासन नहीं। देखिए साथियों, ये पीटीआई भर्ती के मौजूद अभ्यर्थी है, जो बार बार नारेबाजी कर रहे हैं और ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ में पीटीआई भर्ती की महिला अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ये किस मांग को लेकर यहाँ आए हैं। हमारे रिजल्ट को आए हुए बहुत टाइम हो गया है, और एक साल से लगभग एक साल हो रहा है, तो हमें जल्द नियुक्ति चाहिए और 15 अगस्त से पहले चाहिए। इसलिए हम सारे एकत्रित हुए हैं और निदेश मौजूद से मिलेंगे। आश्वासन नहीं, धन्यवाद। आश्वासन नहीं, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पीटीआई एकता जिंदाबाद, पीटीआई एकता जिंदाबाद। आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, झूठी चाहिए।